ये है हीरो करिश्मा एक्स एम आर 210cc की 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल। यहाँ से आप बाइक देख सकते हो, टोटल स्पोर्ट लुक में आपको बाइक मिल जाती है और ये स्पोर्ट बाइक है, काफ़ी अच्छी है। डुअल चैनल ABS के साथ मिल जाती है और ये जो बाइक है ना, इसका जो इंजन है 210cc का है। इंजन जो है अभी न्यू वाला हीरो ने लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छा इंजन है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, बाइक की आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली वीडियो में, तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। काफ़ी अच्छी बाइक है, तो यहाँ से आप मीटर वगैरह देख लीजिए। पहले मीटर जो है आपको फुल्ली डिजिटल मीटर का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इस बाइक की सबसे पहले अपन की दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आप की वगैरह देख सकते हो, की जो है अभी न्यू वाली है, काफ़ी अच्छी इसमें की मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं इस बाइक के, तो यहाँ पे आप वाइजर वगैरह देख सकते हो। वाइजर जो है टोटल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में मिल जाता है और इसमें जो वाइजर है एडजस्टेबल वाला है। यहाँ पे आप बटन्स देख सकते हो वाइजर वाला, और यहाँ पे देखिए तो वाइजर जो है एडजस्ट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो वाइजर। और यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाती है वाइजर की। बाकी यहाँ पे देखें तो आपको नंबर प्लेट रेगुलेटर के लिए जगह मिल जाती है, और यहाँ पे देखें तो सामने की तरफ आपको DRL मिल जाते हैं दोनों, और यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी हीरो की यहाँ पे बैजिंग मिलने वाली है 3D में, ये काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे आप मडगार्ड देख सकते हो, मडगार्ड जो है यहाँ पे फाइबर मटेरियल में मडगार्ड मिल जाता है। डुअल चैनल ABS के साथ आ रही है, 300mm का यहाँ पे डिस्चार्ज मिल जाता है ABS के साथ है। बाकी जो एलॉय है ना, हीरो ने अभी न्यू वाला एलॉय इसमें लॉन्च किया है। यहाँ पे आप एलॉय देख सकते हो, काफी मजबूती के साथ इसमें एलॉय मिलने वाला है। ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी इसके टायर साइज की बात करें ना, तो 180/70 का यहाँ पे टायर साइज भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको XMR की बैजिंग मिल जाती है हीरो की, और यहाँ पे जो मटेरियल है ना, टोटल फाइबर मटेरियल मिल जाता है। यहाँ से देख लीजिए जो फ्रंट प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा है, मेरे को इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इसके मीटर की तरफ आ जाते हैं, तो मीटर देख लेते हैं क्या क्या इसमें मीटर का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप मीटर देख सकते हो, फुल्ली आपको डिजिटल मीटर का सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो राइड योर लेजेंड करके बैजिंग मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, पेट्रोल, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर वाला है, और यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको गियर का नोटिफिकेशन मिल जाता है, अभी फर्स्ट गियर में लगी हुई है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो टाइम, डेट और ईयर भी इसमें दिख जाता है। यहाँ पे आप मीटर पूरा आपको डिजिटल मीटर का सपोर्ट मिल जाता है, ये काफ़ी सही है। और यहाँ पे देखें तो आपको USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको की के लिए जगह मिल जाती है। बाकी यहाँ पे हैंडल बार देख लीजिए, ये भी काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे आप बटन्स वगैरह देख लीजिए, बटन्स में ना आपको बैक लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बटन है ना, आपको हजार लाइट मिल जाती है इसको प्रेस करने से। यहाँ पे आप इंडिकेटर वगैरह देख सकते हो, इसमें जो है चारों इंडिकेटर चालू हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है, और साथ में आपको सेल्फ बटन एक साथ ही मिल जाती है। बाकी यहाँ पे फ्यूल टैंक की बात करें ना, तो आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको E20 पेट्रोल का सपोर्ट मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ है, तो 2 से 2.5 लीटर आपको पेट्रोल मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको वाइजर वाली बटन मिल जाती है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल टैंक में करिश्मा की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको फाइबर प्लस मेटल बॉडी दोनों यूज़ किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो बाइक का जो लुक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे इंजन देख लीजिए, जो इंजन है 4 वाल्व के साथ आ रहा है, 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है, और ये साइलेंट वे में स्टार्ट नहीं होता। यहाँ पे आप इंजन की ऑयल क्वालिटी चेक कर सकते हो, और ये जो इंजन है ना ऑयल कूलेट के साथ है, ये एयर कूलेट वाला इंजन नहीं है। बाकी जो इंजन है अभी न्यू वाला है, और ये 210cc का इंजन है। इसमें जो है 5 गियर का सपोर्ट भी मिल जाता है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है इसका। बाकी इसके इंजन की आवाज़ भी सुना देते हैं, ये न्यू वाला इंजन है, कैसी आवाज़ आती है इसकी। यहाँ पे आप इंजन की आवाज़ सुन सकते हो, इंजन जो है काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी रगड़ इंजन है। पावर पिकअप आपको काफ़ी अच्छा जनरेट करके दे देगा, और ये सिंगल सिलेंडर ऑयल कूलेट वाला है, 4 वाल्व के साथ आ रहा है। बाकी आपको हीरो की यहाँ पे बैजिंग मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको इंजन में ना आपको ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठंड वगैरह में आपकी बाइक आराम से स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे आप अंदर की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे आपको रेडिएटर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, और यहाँ पे देखें तो आपको सिंगल हॉर्न का इसमें सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी सस्पेंशन की बात करें ना, तो यहाँ पे आप सस्पेंशन वगैरह देख सकते हो, इसमें जो है आपको टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलते हैं, USD सस्पेंशन का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको सिंगल रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे आए ना, तो आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है इस बाइक में। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप रियर वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो फ्रंट वाला भी लग जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको बीट का मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखे साइलेंसर मफलर की बात कर लेना, तो ये सिल्वर कलर में आपको मेटल बॉडी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल फुट रेस्ट वगैरह, यहाँ पे आपको टोटल सिल्वर कलर में यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी शॉकअप की बात करें ना, तो इसमें आपको मोनो शॉक का सपोर्ट मिल जाता है, सिंगल शॉकअप है इसमें, और ये एडजस्टेबल वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप ब्रेक ऑयल वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो,
यहाँ पे जो बॉडी है यहाँ पे मेटल बॉडी यूज किया गया है। बाकी यहाँ सीट की बात करें ना तो सीट देख सकते हो काफी प्रीमियम सीट इसमें मिल जाती है और इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप साइलेंसर वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे देखे तो आपको मड ब्लैम मिल जाता है और यहाँ नीचे की तरफ आए तो ये जो ब्रेक है ना आपको डिस्क मिल जाता है। इसमें आपको 260 mm का रियर वाला ब्रेक मिल जाता है और इसमें आपको मिल जाता है ABS। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो टायर है काफी मोटा टायर इसमें मिल जाता है और इसके टायर साइज की बात कर लेना तो 140/70/17 का यहाँ पे टायर साइज मिल जाता है। बाकी एलॉय जो है काफी अच्छा इसमें मजबूती के साथ मिलने वाला है, ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ से आपको रियर व्यू वगैरह दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप रियर व्यू वगैरह देख लीजिए, टेल लाइट वगैरह आपको हाइलोजन सेटअप के साथ नहीं मिलते, टोटल LED के साथ मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आप इंडिकेटर्स वगैरह देख लीजिए, यहाँ नीचे की तरफ आपको सिंगल लाइट मिल जाती है। बाकी नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ से आप रियर व्यू बाइक का देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ साइड की तरफ आ जाते हैं, बाकी यहाँ पे आप ग्रैब रील वगैरह देख सकते हो, टोटल यहाँ पे स्प्लिट वाला ग्रैब रील इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखें तो लेडीज फुटरेस्ट इसमें नहीं आता है, ओनली यहाँ पे लेडीज गार्ड लगा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें तो आपको एडजस्टेबल वाले फुटरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ आपको 210 की बैजिंग मिल जाती है। जो मटेरियल है टोटल फाइबर मटेरियल यूज किया गया है। यहाँ पे देखें तो आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है, कट ऑफ सेंसर वाला नीचे साइड स्टैंड मिल जाता है, अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक आगे नहीं चलेगी। बाकी यहाँ पे इंजन देख सकते हो, टोटल यहाँ पे न्यू वाला इंजन मिल जाता है। बाकी यहाँ चैन कवर वगैरह देख लीजिए, चैन कवर इसमें नहीं आता है, ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा फिनिशिंग दे दिया गया है, बाकी इसमें नीचे की तरफ आपको चैन कवर नहीं आ रहा है। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना तो 160 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और इंजन जो है ऑयल कूलेंट वाला है ना तो यहाँ पे आप कूलेंट वगैरह डाल सकते हो, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है कूलेंट डालने के लिए। बाकी यहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको XMR की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे हीरो की भी बैजिंग मिल जाती है। यहाँ से आप देख लीजिए बाइक जो है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इसका जो टोटल वेट है ना 163 किलोग्राम टोटल वेट इस बाइक का चला जाता है और इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस की बात कर लेना तो 1,79,267 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस चला जाता है और इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें ना तो 2,02,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। बाकी इसका जो एवरेज है ना आपको 35 से 40 के बीच में ये बाइक एवरेज देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्पोर्ट्स बाइक में आप करिश्मा XMR की तरफ आ सकते हो, 210 cc की बाइक है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है, अब आप कमेंट्स करिए और बताइए इसके बारे में और क्या जानना है।